हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ मावा गुजिया की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये हमारे यहाँ पर होली के त्यौहार पर बनाई जाती हैं। यहाँ पर हमने 2 चम्मच घी लिया है। घी गर्म होने के बाद मावे को इसमें डाल के अच्छा भून लेना है। उसको अच्छे से चलाते हुए मावे को भूनना है। मावे को जब तक भूनना है ये अच्छा टाइट हो जाए। अभी इतना सॉफ्ट है, इसको अच्छे से भून लेना है। इस तरह से मावे को अच्छे से भून लेना है। ये हमारा मावा बनकर तैयार है। इसको एक बर्तन में निकाल लेना है। अब यहाँ पर हमने मैदा लिया है। अब इसमें एक बड़ा स्पून घी ऐड किया है। घी डालने से एकदम सॉफ्ट अच्छे गुजिया बन के तैयार होते हैं। अब इसको अच्छे से मिला लेना है। ऐसा बनने लगे तो समझो हमारा आटा में मोमन बहुत अच्छा है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और एक अच्छा सॉफ्ट डो तैयार करना है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है। यहाँ पर हमारा ये आटा बनकर तैयार है। अब इसको ढककर रख देते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो मावा था उसको इस तरह से हाथ से मैश कर लेना है। ऐसा हो जाना चाहिए मावा एकदम सूखा सूखा, तो समझो आपके मावा एकदम बढ़िया है। अब खोए में यहाँ पर हमने शुगर पाउडर ऐड किया है। एक कटोरी आपका मावा है, एक कटोरी आपको शुगर या बूरा हो तो बूरा डाल सकते हैं आप। ऐसे बूरा ही पड़ता है, बूरा नहीं हो तो चीनी पीस कर ऐड कर सकते हो। अब इसको अच्छे से मिला लेना है। देखिए इस तरह से मसाला तैयार करना है।
अभी इसमें कुछ ड्राई फ्रूट ऐड करना है। यहाँ पर हमने काजू बादाम को पीसेस में कट कर लिया था और थोड़ी सी इलायची पाउडर ऐड किया है। काजू को पीस बारीक काट लिया है, अब इसमें अच्छे से मिला लेते हैं। ये हमारा मसाला तैयार है। अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं। अब ये बनकर तैयार है। यहाँ पर हमने आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर इस तरह से पूड़ियाँ बेल लेनी है, एकदम पतली पूड़ी बेल लेनी है। अभी ऐसा एक सांचा लेना है गुजिया बनाने वाला, उस पर पूड़ी को रख लेना है। अब बीच में जो हमारा मावा तैयार था, मसाला बनाया है, उसको बीच में रख लेना है और साइड से पानी किनारों पे लगाना है जो कि अंदर अच्छे से बंद हो जाए, मसाला बाहर नहीं निकले। इस तरह से दबा के एक्स्ट्रा पूड़ी को काट लेना है। देखिए ये हमारी भुजिया इस तरह से बन जाएंगी। अब इसको अच्छे से निकाल लेना है। अब एक कढ़ाई में घी गरम करने रख दिया है। इसी तरह से सारी भुजिया बना लेनी है, एक कपड़े पर रखते हुए और दूसरे कपड़े से ढकते जाना है। जब सारी भुजिया बन जाए लो फ्लेम पर, घी गरम हो जाए, तो उसमें एक एक करके भुजिया ऐड करनी है। अब इनको अच्छे से तल लेना है। अब इस तरह से होने लगे तो उसके बाद इनको आराम से पलट लेना है। देखिए हमारी गुजिया बनकर तैयार है। मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।